अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरियाँ। तो मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था मीठी टिक्की, और अब मैं आपको बनाने जा रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ। पूरियाँ बनाएंगे बहुत ही खस्ता इंशाल्लाह ताला। ये हमने मैदा ले लिया है 2 कप, इसके अंदर हम ये 3 से 4 कप दूध ऐड करेंगे। आप खुश्क दूध ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा चुटकी भर इसके अंदर, ये देखिए चुटकी बेकिंग पाउडर जाएगा बस। अब इसको हम गूंदेंगे जैसे हम आटा नॉर्मली गूंद के रखते हैं, इस तरह इसको गूंदेंगे, तो मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको ऐसे गूंदते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला हो। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदेंगे, इसको ये ऐसे गूंद के रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए जी, हमने इसको मिक्स करके रख दिया। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा पानी लगाकर इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें पूरी वाला आटा हमारा डो तैयार हो चुकी थी, अब इसकी हम पूरियाँ बना रहे हैं छोटे छोटे साइज़ की। ये देखें बहुत ही खस्ता मज़े की बनती हैं, छोटा साइज़ रखेंगे फूल की बड़ी हो जाती है। इसको हम फ्राई करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी पूरी मैंने इसमें डाली है, बड़ी एहतियात के साथ इसको हम पलटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह पूरी हमारी, सॉरी पूरी हमारी तली गई है। इसी तरह वन बाय वन हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो दोबारा एक और दिखा देते हैं हल्के हाथ से करते जाएंगे। ऑयल बहुत गर्म होता है, जरा एहतियात के साथ करना पड़ता है सारा। जब वन साइड हो जाएगी फिर हम इसको पलटेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ ये देखिए, अब इसकी दूसरी साइड को हम करेंगे। मैं आपको इसकी फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए माय यूट्यूब फैमिली, पूरियाँ मैंने तल ली हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। इनका कलर ऐसे ही रखना है थोड़ा सा ब्राउन। इनको हम बारबेक्यू टिक्के के साथ खा सकते हैं, हलवे के साथ खा सकते हैं, खीर के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे आप उसके साथ खाएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें, मेरे मेहनत को प्लीज़ अप्रिशिएट करें। आप लोगों के लिए ये मैं काम करती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बनाए रखें। अल्लाह हाफिज़।